Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel AM Homeopath. Hope you all are doing well. So आज जो है कि जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल भी देख लिया होगा और टाइटल भी देख लिया होगा कि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप होम्योपैथिक फार्मेसी जो है उसके नोट्स किस तरीके से ले सकते हो, ठीक है. लाइकवाइज कि आप सभी को, मतलब कि हाफ ऑफ द सब्सक्राइबर्स को पता होगा कि मैंने 2 महीने पहले एक कोर्स के बारे में आपको बताया था, जिसके अंदर कि मैं आपको मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फार्मेसी पढ़ाने वाली थी, जिसका कि मैंने पूरा कोर्स आपको बोला था कि मैं पूरा कोर्स आपको पढ़ाऊंगी जस्ट इन 2 मंथ, ठीक है. तो अराउंड हमारा जो 2 मंथ थे वो कंप्लीट होने आए हैं. तो आपने, मतलब कि चैनल के ऊपर भी आप देख सकते हो, डायरेक्ट जो चैनल का मेरा पूरा सेटअप है वहाँ पर जाकर भी देख सकते हो. इवन तो मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है. लाइक आप जो प्लेलिस्ट वाला बटन है वहाँ पर जाकर भी मटेरिया मेडिका होल सिलेबस, ऑर्गेनॉन फर्स्ट ईयर होल सिलेबस, होम्योपैथिक फार्मेसी होल सिलेबस आप जाकर देख सकते हो. इस तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है. तो उसके अंदर आपको सारे वीडियोस दिखेंगे. अब क्वेश्चन ये आता है कि जो वो वीडियोस हैं वो पेड है, ठीक है. तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था 2 मंथ पहले भी कि जो पूरा कोर्स है उसको मैं, जो आपका मेंबरशिप होती है उसके अंदर मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है. तो लाइक वो सारी चीजें मैंने पहले ही उसके लिए एक दो वीडियो अलग से बनाकर रखे हुए हैं कि आप किस तरीके से मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, किस तरीके से सारे वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है. और उसके पहले भी मैंने एक वीडियो ऐसा बनाया था जिसके अंदर कि मैंने बताया था कि मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, राइट. तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो. सारे वीडियोस के जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अब बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है वीडियो का, उसके बारे में. तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बात करूंगी कि भाई होम्योपैथिक फार्मेसी के जो सारे टॉपिक्स मैंने वो वाले कोर्स के अंदर पढ़ाए हुए हैं, उन सब के जो नोट्स हैं वो आप किस तरीके से परचेज कर सकते हो. और वो जो सारे नोट्स हैं वो मैंने पर्सनली अपने यूज के लिए बनाए थे. मतलब कि जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मैंने मेरी एग्जाम देने के लिए ये सारे नोट्स बनाए थे, ठीक है. तो आप समझ सकते हो कि ये जो सारे नोट्स हैं वो एग्जाम बेस्ड हैं, ठीक है. तो लाइकवाइज कि इसके अंदर कोई अलग से आपको थ्योरीज वगैरह, सिर्फ ऐसी मतलब कि जो आपको बोरिंग कर देने वाली चीजें आपको इन सारे जो नोट्स हैं उसके अंदर नहीं मिलेंगी. और सारे जो नोट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम बेस्ड हैं, ठीक है. एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है, कट टू कट, आप कॉपी टू कॉपी अगर आपकी जो एग्जाम के अंदर सप्ली के अंदर लिख कर आओगे फिर भी आपको 100% मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है. तो अब बात करते हैं कि भाई आप ये सारे जो नोट्स हैं उसको परचेस किस तरीके से कर सकते हो. उससे पहले हम ये बात करेंगे कि भाई ये नोट्स आपको किस फॉर्म में मिलेंगे. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये आपको फ्रंट पेज दिख रहा है, ठीक है. मैंने मोस्टली जो होम्योपैथिक फार्मेसी की मेरी सारी नोट्स हैं वो मैंने PPT फॉर्म के अंदर बनाकर रखी हुई थी. तो उसी PPT का ये फ्रंट पेज है, ठीक है. तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा. उसके बाद में आपको एक जो हमारा टॉपिक है उसके नोट्स का एक लाइकवाइज की डेमो बता देती हूँ, ठीक है. तो ये जो हमारा टॉपिक था सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, इसका भी आप वीडियो जाकर चैनल पर देख सकते हो. मेंबरशिप वाले वीडियोस के अंदर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है. तो उसके अंदर इस तरीके से मैंने सारी चीजें, मतलब कि नोट्स इस तरीके से बनाई हुई थी और इसी तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आपको ईजी रहेगा आपके एग्जाम में लिखने के लिए भी. और इवन दो जो मेंबरशिप वाले हमारे बच्चे हैं उन्होंने मुझे बताया है कि भाई मेरे जो नोट्स हैं और जो मेरी ये सारे वीडियोस हैं मेंबरशिप वाले, वो उनको एंड टाइम के ऊपर, मतलब कि एग्जाम के एंड टाइम के ऊपर 1 मंथ 2 मंथ के अंदर जो वो रिवीजन करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं, ठीक है. तो इसलिए भी अगर आप की अभी एग्जाम नहीं आई है तब भी आप इसको सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो. और तो और अगर आपकी एग्जाम्स आ रही हैं तो आई थिंक कि आपको ये सारे नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अराउंड हाफ ऑफ दी जो नोट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पर. अब बात करेंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक की आपको नोट्स मिलेंगी, ठीक है. तो जैसे कि आप यहाँ पर पूरी लिस्ट देख सकते हो, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कौन कौन से टॉपिक्स लिखे हुए हैं. और ये हाफ टॉपिक है, आपको यहाँ पर 31 जितने टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है. 31 जितने टॉपिक्स ही आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे या फिर तो इस PPT फॉर्म के अंदर आपको नोट्स मिलेंगी, ठीक है.
तो अब बात करते हैं कि भाई इन सारी की सारी नोट्स है जो 31 नोट्स हैं उनको आप किस तरीके से परचेज कर सकते हो। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने बहुत सारे इसके पहले भी, मतलब ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसके पहले भी कुछ बच्चों ने मेरे पास से नोट्स को परचेस किया हुआ है। तो उनके उनमें से हाफ ऑफ द जो बच्चे थे उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मतलब कि बहुत ज्यादा इतने ज्यादा पैसे वो नहीं दे सकते, ठीक है। तो उसके लिए मैंने जितना से जितना कम अमाउंट हो सकता था उतना कम अमाउंट मैंने रखा हुआ है मेरे पूरे कोर्स का और पूरे जो नोट्स है उसका भी। सो इस पर्टिकुलर जो होम्योपैथिक फार्मेसी है अगर उसके 31 टॉपिक की आपको नोट्स चाहिए तो यू कैन जस्ट पे 199 रुपीज, ठीक है। 199 रुपीज जो है वो आपने बाय, ठीक है, वो आपने मुझे देने हैं और आप उससे ये सारे नोट्स को बाय कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई ये सारे नोट्स का आपको प्राइसिंग पता चल गया, आपको टॉपिक्स पता चल गए कि अब आप ये लोगे किस तरीके से, ठीक है। तो आपने जस्ट क्या करना है कि आप नीचे जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखोगे, वहां पर आपको मेरे जो IG अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक आपको मिलेगी। वहां पर जाकर आपने मुझे DM करना है, मतलब कि डायरेक्ट मैसेज करना है कि भाई मैम मुझे होम्योपैथी फार्मेसी के आपके जो टॉपिक थे उनके मुझे नोट्स चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो फर्दर सारी चीजें प्रोसीजर होगी वो मैं आपके साथ वन बाय वन करूंगी, ठीक है। मतलब कि आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। आपको डायरेक्टली वन बाय वन मैं आपके साथ बात भी कर सकती हूँ, आपकी कोई क्वेरीज है तब भी आप मुझे वहां पर IG अकाउंट पर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये था कि भाई आप किस तरीके से अपनी जो नोट्स है उसको बाय करोगे। अब ये बात आती है कि भाई मेरी नोट्स आप क्यों बाय करोगे, ठीक है। लाइकवाइज कि आप क्यों दूसरे किसी के नोट्स को बाय नहीं करोगे। तो पहली चीज ये है कि जिन बच्चों ने जो कोर्स खरीदा था, मतलब कि उन्होंने जो 1 मंथ का या फिर तो 2 मंथ तक उन्होंने पैसे दिए हैं, मेंबरशिप ली है, वो मेंबरशिप भी अराउंड बहुत कम कॉस्टली थी, मतलब कि अराउंड 299 की ही जो मेंबरशिप मैंने रखी हुई थी उसके अंदर मैंने 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आप अभी भी जाकर उसको बाय कर सकते हो। जो मेरे चैनल का नेम है अयंग होम्योपैथ, उसके बाजू में आपको एक ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक करके आप सारी डिटेल देख सकते हो, ठीक है। तो बात ये आती है कि आप मेरे जो नोट्स हैं वो बाय क्यों करोगे। फर्स्ट थिंग कि ये आपको जो मैंने कोर्स पढ़ाया था उसके अंदर मैंने सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। सेकेंड थिंग ये है कि ये सारे जो नोट्स है वो आपको एग्जाम बेस्ड है, ठीक है। कोई भी इसके अंदर अलग सी कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखी हुई हैं, कोई या फिर तो कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो कि रिमेनिंग रह रही है। मतलब कि फॉर एग्जांपल जो सोर्सेस ऑफ फार्मेसी है उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज भी मैंने नहीं डाली है जो कि आपको कंफ्यूजिंग लगेगी। कोई ऐसी चीज भी मैंने छोड़ी नहीं है जो कि जिसकी जो कि आप एग्जाम में नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि मैंने अकेली ने इन सारे जो टॉपिक्स हैं वो पर्सनली वो सारे टॉपिक्स मैंने खुद ने लिखे हुए हैं, उन सारे टॉपिक्स को मैंने पहले पढ़ा है फिर मैंने लिखा है। बिकॉज कि एज अ होम्योपैथिक स्टूडेंट मुझे भी पता है कि एग्जाम के अंदर किस तरीके से लिखना होता है। और अगर आप में से कुछ लोगों को मतलब कि अगर नहीं पता है कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, तो मैं अभी 4th ईयर में हूँ, ठीक है। तो मैंने मतलब कि फर्स्ट ईयर की एग्जाम दे रखी है और मुझे पता है कि होम्योपैथिक फार्मेसी किस तरीके से पढ़ते हैं और उसके नोट्स किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने सबसे पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको मेंशन किया था कि मैंने आधे से ज्यादा इसमें से कुछ आधे से ज्यादा जो पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो मैंने खुद के लिए भी बनाए थे। लाइक आप वेजिटेबल सोर्सेज देख सकते हो, एनिमल सोर्सेज देख सकते हो, व्हीकल क्लासिफिकेशन देख सकते हो, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क देख सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या है कि मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तब मैंने इसकी नोट्स बनाई थी और वही नोट्स मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा की चीजें नहीं लिखी हुई है या फिर तो कोई ऐसे भी चीज नहीं लिखी हुई है जो कि आपकी छूट रही हो, ठीक है। तो इन शॉर्ट की एक स्टूडेंट अगर एक दूसरे स्टूडेंट को सारी चीजें समझाता है तो इट क्वाइटली डिफरेंट, ठीक है। तो आपको अगर ये नोट्स परचेस करनी है देन मैंने आपको बता दिया है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक देखोगे, वहां पर जाकर मुझे पर्सनली मैसेज करोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें मतलब कि किस तरीके से क्या करना है सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लिस्ट एक बार वापस से देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो जिसको भी ये नोट्स चाहिए देन यू कैन जस्ट DM मी, एंड इफ यू हैव लाइक एनी डाउट इन दिस ऑल द थिंग्स देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।